एसएससी जीडी के उम्मीदवारों को और देश के सरहद के चौकीदार जो इस बर्फीली हवाओं में सरहद को चाक चौबंद रखे हुए। एक गंभीर मुद्दा एसएससी जीडी से संबंधित, अभी फिर से खरीदार आ गए हैं, मंडी सजेगी 2021 मार्च में, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, फिर से लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, फिर से युवाओं को 3-4 साल के लिए अटकाया जाएगा, कई घोटाले होंगे, कई मेडिकल में, कई फिजिकल में, फिर से युवाओं को बरगलाया जाएगा। एक ये स्वांग रचा जा रहा है, ये हर 3 साल के बाद रचा जाता है, जिसमें लाखों युवा का समय और पैसे का बर्बादी और ऊपर से फिर मानसिक तौर पे प्रताड़ना। ये सालों से ये सिस्टम चला आ रहा, अब ये फिर आ गए। जब जो 2021 को जो भर्ती प्रक्रिया मार्च में गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है एसएससी के थ्रू, एसएससी जीडी के युवाओं के लिए, देश भर के लिए, इसका हम घोर विरोध करते हैं। क्यों दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें 1,09,500 कुछ जवान जो है पूरी मेडिकल फिजिकल हर प्रक्रिया को करके और पूर्ण रूप से तैयार बैठे हुए। तो गवर्नमेंट एसएससी का आंकड़ा है, उससे पहले संसद का आंकड़ा भी दें हम, माननीय गृह राज्य मंत्री का, जब उन्होंने कहा कि ये 1,11,000 वैकेंसी है, 1,11,000। फिर सवाल पैदा होता है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे उस नई भर्ती प्रक्रिया 21 को पूर्ण करने में और 24 लगेंगे, क्या ये इलेक्शन का इंतजार किया जाएगा 24 तक? हमें तो ऐसे ही लगता है। कोविड का बहाना बनाया गया, अब जो रिजल्ट आया है उसमें 60,000 सीटें 54,000 इन्होंने लिए, तो उसमें कितने बचे? 6,000 और 50 56 और 9 65,000 युवाओं के साथ धोखा, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? 50% से ज्यादा लोगों को जो है आज जो हम मानसिक तनाव में युवा आ गए। इस भर्ती प्रक्रिया को 21 वाली को कैंसिल किया जाए, जब जब आपने तभी तो फॉर्म निकाले कि वैकेंसी है, तो जब मेडिकल फिट युवा हमारे पास मौजूद 1,09,000, तो फिर